नमस्कार मैं हूं प्रवीण गौतम दोस्तों अगर संसद में धुआं धुआं हो जाता है तो सुरक्षा व्यवस्था का मजाक बन जाता है अगर ऐसे में विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल उठाने लगे तो क्यों भला उपराष्ट्रपति को गुस्सा आ जाता है आज नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना की तो उपराष्ट्रपति भड़क गए और किस तरह का नजारा हुआ जरा देखिए कि उपराष्ट्रपति को क्या ऐसे गुस्सा करना बनता है जरा देखिए इस सदन में जो सिक्योरिटी का और लोकसभा में जो दो लोग घुस के वहाँ पर गड़बड़ किए उस वक्त यहाँ पर भी उसका आवाज़ उठाया गया था लेकिन आपने सदन चलने के लिए अनुमति दी लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर है ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा दो लोग अंदर आकर वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रिज करके उन्होंने पूरा One yeah, second please. I will give you a. The moment I came to know about it, I called the director of security. I told him to give me an update. The update which he gave me at that point of time, I have shared with the house. It is a matter of concern, but let us await full details and then I think we will be able to reflect.

शहीद दिवस आज ही शहीद दिवस दोस्तों कमाल है कि उपराष्ट्रपति कहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा सरकार की इतनी तरफदारी क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा बोलने तक नहीं दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत क्या कहा यह घोर लापरवाही का मामला है और मोदी सरकार की जवाबदेही बनती है आप उन स्मोकिंग कैनल की तस्वीर देखिए जो युवा संसद में लेकर घुस आए थे अगर ये स्मोकिंग कैंडल संसद भवन में अंदर तक जा सकती है तो कल को कोई हथियार लेकर भी जा सकता है तो ये घोर लापरवाही का मामला है जिसमें सरकार को जवाब देना चाहिए गृहमंत्री अमित शाह भी जब विपक्षी सांसदों ने बयान देने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया उसके बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट भी किया तो सरकार इस मुद्दे से बच क्यों रही है आप सोच कर देखिए कि अगर बीजेपी सांसद के गेस्ट पास पर ये युवा ना गए होते किसी विपक्षी सांसद के गेस्ट पास पर गए होते अगर इन युवाओं का नाम कुछ और धर्म का होता तो कितना बवाल करता मीडिया और बीजेपी वाले पूरे हफ्ते इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना देते जाने कितने तरह की साजिशों का खुलासा हो जाता और आज सरकार बोलने से बच रही है उपराष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दे रहे और मीडिया भी बच बच के रिपोर्टिंग कर रहा है और कह रहा है कि देखिए इन लोगों की वजह से अब संसद में जाने वाले लोगों को परेशानी होगी जबकि सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिरकार संसद में ये युवा स्मोकिंग कैंडल लेकर पहुंच कैसे गए सुरक्षा व्यवस्था में इतनी घोर लापरवाही कैसे हो गई आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार